if there requires a flip, it means there has to be flip in the Jat line, or else it's game over for the Congress party in Haryana. That's true, Karthikeya. In fact, the Jat vote that was, you know, everyone was discussing, it got consolidated in favor of Congress. Now that appears to be maybe. So just let me cut across. ये जो आगे पीछे हो रहा है, शुरू में तो बहुत अच्छा था. ऐसा है, खेल में बॉल कभी उधर जाती, कभी जाती, गोल कांग्रेस के मारे. नहीं तो आपको क्या लगता है कितने राउंड के बाद आप कांग्रेस की सरकार बनेगी? कितनी कितनी सीटें आप लॉक कर रहे हैं अभी के हिसाब से? बहुमत से, बहुमत मतलब 60-70 कुछ तो बहुमत, बहुमत कितने? और सर क्या अगर अगर सर अगर सर नंबर्स नहीं आते हैं तो कोई वैकल्पिक सर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, बहुमत आएगा, भले ही अभी थोड़ी देर के लिए पीछे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए वो पीछे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आखिर में बहुमत हासिल करेंगे. ये काउंटिंग है, कई राउंड्स की काउंटिंग हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अंततः कांग्रेस की ही जीत होगी. विजय मनीष के साथ रवि मिश्रा. इफ देयर रिक्वायर्स अ फ्लिप, इट मींस देयर हैज टू बी फ्लिप इन द जाट लाइन, और एल्स इट्स गेम ओवर फॉर द कांग्रेस पार्टी इन हरियाणा. That's true, Karthikeya. In fact, the Jat vote that was, you know, everyone was discussing, it got consolidated in favor of Congress. Now that appears to be maybe. So let me cut across. ये जो आगे पीछे हो रहा है, शुरू में तो बहुत अच्छा था. ऐसा है, खेल में बॉल कभी उधर जाती, कभी जाती, गोल कांग्रेस के मारे. नहीं तो आपको क्या लगता है कितने राउंड के बाद आप कांग्रेस सरकार बनेगी? कितनी कितनी सीटें आप लॉक कर रहे हैं अभी के हिसाब से? बहुमत से, बहुमत मतलब 60-70 कुछ तो बहुमत, बहुमत कितने? और सर क्या अगर अगर सर अगर सर नंबर्स नहीं आते हैं तो कोई वैकल्पिक सर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, बहुमत आएगा, भले ही अभी थोड़ी देर के लिए पीछे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए वो पीछे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आखिर में बहुमत हासिल करेंगे. ये काउंटिंग है, कई राउंड्स की काउंटिंग हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अंततः कांग्रेस की ही जीत होगी. विजय मनीष के साथ रवि मिश्रा. इफ देयर रिक्वायर्स अ फ्लिप, it means there has to be flip in the Jat line, or else it's game over for the Congress party in Haryana. That's true, Karthikeya. In fact, the Jat vote that was, you know, everyone was discussing, it got consolidated in favor of Congress. Now that appears to be maybe. So just let me just let me cut across. ये जो आगे पीछे हो रहा है, शुरू में तो बहुत अच्छा था. ऐसा है, खेल में बॉल कभी उधर जाती, कभी जाती, गोल कांग्रेस के मारे. नहीं तो आपको क्या लगता है कितने राउंड के बाद आप कांग्रेस सरकार बनेगी? कितनी कितनी सीटें आप लॉक कर रहे हैं अभी के हिसाब से? बहुमत से, बहुमत मतलब 60-70 कुछ तो बहुमत, बहुमत कितने? और सर क्या अगर अगर सर अगर सर नंबर्स नहीं आते हैं तो कोई वैकल्पिक सर तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी, बहुमत आएगा, भले ही अभी थोड़ी देर के लिए पीछे हुए हैं, थोड़ी देर के लिए वो पीछे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आखिर में बहुमत हासिल करेंगे. ये काउंटिंग है, कई राउंड्स की काउंटिंग हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, लेकिन अंततः कांग्रेस की ही जीत होगी. विजय मनीष के साथ रवि मिश्रा.